अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 2021 एडमिशन लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। DLED करने के लिए दोस्तों क्या योग्यता चाहिए, फीस कितनी होती है, सिलेबस क्या होता है, और उसके बाद दोस्तों आपका एक सवाल था कि शिक्षक की सैलरी कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलकर जब आप नौकरी पाएंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। और सभी बच्चों के मन में एक और सवाल था, देखिए भी जल्दी में जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है ना, वो 69,000 शिक्षक भर्ती थी। जी हाँ दोस्तों, 69,000 पदों पर भर्ती आई थी। और आपको बता दें, अगर आप टीचर बनेंगे तो जो आपकी मिनिमम सैलरी दोस्तों आज की डेट में होगी वो 42,000 से शुरुआत होगी। लेकिन अगर आप लोग 2021 में एडमिशन लेंगे तो 2023 तक आपका DLED चलेगा, 2 साल का कोर्स है। 2024 तक अगर कोई नई भर्ती आती है, अगर आपको मौका मिलेगा ना, तो गाइस उस समय टीचर की जो मिनिमम सैलरी होगी, ठीक है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से दोस्तों आपकी स्टार्टिंग सैलरी पहले ही दिन की, मतलब पहले महीने की 50,000 रुपये कम से कम होने वाली है। तो गाइस अगर आप DLED करना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके मन में एक सवाल है कि क्या 12वीं पास छात्रों को मिलेगा मौका, कब से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया, सब कुछ दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। DLED करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है उसको देखेंगे। क्या इस बार एडमिशन मेरिट बेस पर नहीं होगा, उस पर बातें होंगी। एडमिशन के लिए दोस्तों क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा, देखिए आपको बता दें दोस्तों, जो हमारा DLED का लास्ट एडमिशन हुआ था वो 2019 में हुआ था। 2020 में दोस्तों DLED में एडमिशन की कोई प्रक्रिया नहीं की गई, ठीक है। और जो 2019 तक DLED का एडमिशन हुआ दोस्तों, हर बार एडमिशन मेरिट के बेस पर होता था। मेरिट का बेस का मतलब होता है कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंट थे, इंटर में दोस्तों कितने परसेंट थे, प्लस आपके ग्रेजुएशन या स्नातक में कितने परसेंट थे, सबको जोड़ जाकर मेरिट बनती थी। जैसे दोस्तों अगर आपके हाई स्कूल में 70% थे, इंटर में मान लेते आपके 80% है और ग्रेजुएशन में 60% है, ठीक, इसको जोड़ लीजिए, 70 और 80 कितना हो गया, 150 हो गया, और 60 हो गया 210। तो दोस्तों ये 210 नंबर की आपकी मेरिट बन गई। तो देखिए जिन बच्चों के नंबर या परसेंटेज ज़्यादा होते हैं उनको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, और जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो क्या एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी? जी हाँ दोस्तों, देखिए तो जो 2021 वाला हमारा एडमिशन की प्रक्रिया होने वाली है, इसमें निगेटिव मार्किंग और एंट्रेंस एग्जाम की बातें हो रही है। तो देखिए एक और अपडेट कि DLED 2021 में प्रवेश के आदेश अब अप्रैल में आने के आसार हैं। DLED में इस बार हो सकते हैं बड़े बदलाव। तो चलिए दोस्तों पूरी अपडेट को हम देखते हैं। वीडियो का आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक देखिए अगर आप DLED करना चाहते हैं। तब अपडेट आई है प्रयागराज से, DLED या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रवेश के आदेश अब अप्रैल माह में होने के आसार हैं। परीक्षा संस्था का प्रस्ताव फरवरी से बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय व शासन में लंबित है। कहा गया था कि मार्च के अंत तक आदेश निर्गत हो सकता है। अब होली के अवकाश के बाद निर्देश जारी होने की उम्मीद की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED में इस बार बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। यह पाठ्यक्रम प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों व 3,103 निजी कॉलेजों में, जी हाँ दोस्तों इसको ध्यान रखिए, में संचालित हो रहा है। सरकारी संस्थानों में दोस्तों टोटल 10,600 सीटें हैं, निजी कॉलेजों में दोस्तों 2,31,600 सीटें हैं। शिक्षक भर्ती में DLED व अन्य पाठ्यक्रमों के साथ ही BEd के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम DLED का कोर्स करें या BEd का। देखिए अगर आप BEd का कोर्स करेंगे तो आपको मौका ज़्यादा मिलेगा, अगर आप DLED करेंगे तो आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती और जूनियर भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। देखिए शासन की मंशा है कि मेधावी ही हर पद पर चयनित हो, इसको ध्यान में रखकर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इसका प्रस्ताव भी भेज चुका है। तो जरा इस अपडेट को देखिए कि DLED 2020 में भी प्रवेश नहीं हुआ, कोरोना के कारण DLED 2020 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि परीक्षा संस्था ने समय रहते भी इसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन संक्रमण के हालात कुछ सुधरने पर DLED 2020 के लिए प्रवेश कराने की मुहिम निजी कॉलेजों ने शुरू की, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो सका। ऐसे में इस बार प्रवेश शुरू होना तय माना जा रहा है। BEd को मान्य करने से घटा रुझान, देखिए प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में BEd को मान्य करने से प्रतियोगियों में DLED करने का रुझान काफ़ी कम हुआ है। दरअसल दोस्तों BEd करने से अभ्यर्थी अन्य शिक्षक भर्तियों में भी शामिल हो सकते हैं, जबकि DLED करने से सिर्फ प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में प्रतिभाग कर सकेंगे।
इसलिए निजी कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीट खाली रही है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय फरवरी में भेजा प्रस्ताव देरी से ऑनलाइन आवेदन और प्रवेश प्रक्रिया पर असर पड़ना तय है। अब देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या हो रही ना कि बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। इस समय दोस्तों आप लेट फीस देकर भी बीएड में अगर आप चाहते हैं एडमिशन कराना तो भाई उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक डीएलएड की प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। तो जो बच्चे डीएलएड और बीएड में कंफ्यूजन में थे, अगर उन बच्चों ने बीएड का फॉर्म भर दिया होगा तो सोचेंगे छोड़ो यार अब बीएड ही कर लेते हैं, कौन डीएलएड करेगा। अब देखिए गाइस, डीएलएड क्या है ना कि डीएलएड करने से भी फायदा है, बीएड करने से भी फायदा है, लेकिन ज्यादा फायदा की बात करें तब तो बीएड ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपका मन है गाइस, देखिए सबका क्या होता है ना, मन होता है। अब जैसे कुछ बच्चों का मन होता है भैया हमें डॉक्टर बनना है, तो आप उनको इंजीनियर नहीं बना सकते। जैसे वैसे ही दोस्त यहाँ डीएलएड करने का भी कुछ बच्चे मन अब बचपन से बना लेते हैं कि हमें बड़े होकर डीएलएड ही करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में कोई डीएलएड करके नौकरी पा गया था। ठीक है, लेकिन बीएड अच्छा ऑप्शन जरूर है, लेकिन अगर आपका मन है गाइस डीएलएड करने का तो आप डीएलएड कर सकते हैं। चलिए डीएलएड पर ही बात हो रही थी तो आपको बता दें, शिक्षक की सैलरी दोस्तों हमने आपको बता दी, तकरीबन 42,000 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी है पहले महीने की। डीएलएड करने के लिए योग्यता दोस्तों चाहिए, जो वो कम से कम आप ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन किए बिना दोस्तों डीएलएड नहीं कर सकते, और रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। अपीयरिंग छात्र भी दोस्तों आवेदन नहीं कर पाते, उसका रीजन ये होता है ना, जब दोस्तों पिछले साल तक मेरिट बेस पर एडमिशन होता था डीएलएड में, तो बिना आप मतलब परसेंटेज आपका क्लियर ही नहीं होगा तो फॉर्म कैसे भरेंगे। लेकिन हाँ, हो जाता था प्राइवेट कॉलेज में, हो जाता था एडमिशन, ठीक है जुगाड़ उगाड़ से या जो भी कहे, लेकिन आवेदन आपको करना जरूरी है। अब डीएलएड करने के लिए फीस आपके दोस्तों बता दें, अगर आप सरकारी कॉलेज में दोस्तों जाएंगे तो 10,200 रुपये आपको एक साल का देना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस दोस्तों जो होती है वो 41,000 रुपये एक साल की होती है। सिलेबस दोस्तों क्या होता है डीएलएड में, देखिए 4 सेमेस्टर में आपका डीएलएड का कोर्स होता है, ठीक है, पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक साल में दोस्तों आपको पहला और दूसरा सेमेस्टर होगा, दूसरे साल तीसरा और चौथा सेमेस्टर होगा। कब से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया, देखिए दोस्तों अप्रैल महीने, मतलब अगले महीने दोस्तों अप्रैल में ही इसका प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। जैसे ही दोस्तों शासन से भैया मंजूरी मिल जाएगी, तुरंत इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि इस बार जुलाई से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्या 12वीं पास छात्रों को मिलेगा मौका, तो दोस्तों इसका आंसर है फिलहाल के लिए नहीं, अगर कुछ बदलाव होगा तो उसकी अपडेट हम आपको दे देंगे। फिलहाल दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे दे रहे हैं, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर लिख लीजिएगा 8738079216 8738079216। ध्यान से दोस्तों सिर्फ आप हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको रिप्लाई करेंगे, जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। एडमिशन के लिए दोस्तों क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा, अभी दोस्तों इस पर कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए बीएड में जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है, तो उम्मीद है दोस्तों कि अगर डीएलएड में भी एंट्रेंस एग्जाम होगा तो यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग हो सकती है, ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है। अगर यहाँ पर मंजूरी मिल गई तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होगा, मंजूरी नहीं मिलती तो जैसे दोस्तों पिछले सालों में मेरिट के बेस पर हुआ था वैसे ही आपका एडमिशन होगा। फिर से दोस्तों वीडियो करते हैं, बस एक बात कहेंगे, डीएलएड में वही बच्चे आवेदन कर पाते हैं जिनके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं भर पाएंगे, ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप इंतजार करिए, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको एक और वीडियो बनाकर दे देंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।